हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस क्लास में क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, उसके साइज के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रोमोजोम्स यानी गुणसूत्रों की शेप के ऊपर है, और गुणसूत्रों की शेप के बाद फिर अपने बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम्स, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम्स। तो उससे पहले गुणसूत्र की जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको जानने से पहले अपने गुणसूत्रों की जो शेप है, इनकी आकृति है, उनके बारे में आज अपने पढ़ेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर वास्तव में एक क्रोमोजोम की एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है आपके सामने। ये क्या है, एक कंप्लीट क्रोमोजोम है, कंप्लीट गुणसूत्र है, और जिसमें आपको दो भुजाएं ऊपर दिखाई दे रही हैं और दो भुजाएं आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रही हैं। बच्चों, आप बता सकते हो कि इसमें दो शब्द आएंगे, क्रोमोजोम्स एंड क्रोमेटिड्स। तो क्रोमोजोम्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिड एंड क्रोमोजोम? बच्चों, क्रोमोजोम और क्रोमेटिड्स दोनों में अंतर क्या है? छोटी जो फंडामेंटल क्लासेज हैं उनमें आप लगातार पढ़ते आ रहे हो कि क्रोमोजोम्स और क्रोमेटिड्स क्या दोनों एक ही चीज़ हैं या दोनों अलग अलग हैं। चलो, आज ये जो डिफरेंस है इसको भी अपने जान लेते हैं कि क्रोमोजोम और क्रोमेटिड्स में क्या अंतर है। तो आपके सामने ये चार भुजा वाला क्रोमोजोम्स आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो क्रोमोजोम्स हैं ये मेटाफेज के दौरान, जब आपने माइटोसिस पढ़ते हैं, समसूत्री विभाजन पढ़ते हैं, तो उसमें प्रोफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये कंटिन्यूसली ये प्रावस्थाएँ उसमें अपने स्टडी करते हैं, और आगे नेक्स्ट में लेक्चर में आपको ये अपने डिटेल से इनको पढ़ेंगे। तो मेटाफेज के दौरान, मेटाफेज के दौरान जो क्रोमोजोम्स हैं इस आकृति में आपको दिखाई देते हैं। ये एक कंप्लीट गुणसूत्र है जिसकी दो भुजाएं ऊपर की तरफ है, दो भुजाएं नीचे की तरफ है। बच्चों, एनाफेज के दौरान यहां पर क्या है, बीच में जो इनके सेंट्रोमियर हैं, जिनको गुणसूत्र बिंदु बोलते हैं, सेंट्रोमियर विभाजित हो जाता है। कब होता है? एनाफेज के दौरान। एनाफेज के दौरान जो गुणसूत्र हैं, जो क्रोमोजोम्स हैं, अपने जो गुणसूत्र बिंदु है जिसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, यहाँ से ये विभाजित हो जाता है और दोनों जो भुजाएं हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। तो ये एक भुजा है, ये दूसरी भुजा है। तो अब इनको अपने क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्रोमेटिड्स। इनको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड्स। ये पहला क्रोमेटिड्स है और ये दूसरा क्रोमेटिड्स है, और दोनों क्रोमेटिड्स गुणसूत्र बिंदु के विभाजन होने के बाद दोनों क्रोमेटिड्स अलग अलग दिखाई देते हैं, और ये कब होता है? एनाफेज के दौरान। तो ये इसमें मेन डिफरेंस है क्रोमोजोम्स और क्रोमेटिड्स के अंदर, ठीक है। अब बच्चों, इनकी शेप की बात करते हैं कि गुणसूत्र जो हैं, क्रोमोजोम हैं, उनकी शेप कैसी हो सकती हैं, उनकी आकृति कैसी हो सकती हैं। तो क्रोमोजोम की जो डिफरेंट जो शेप मिलती हैं, विभिन्न प्रकार की जो इस शेप में मिलता है, यह किसके ऊपर डिपेंड करता है? यह डिपेंड करता है गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम में मिलने वाला गुणसूत्र बिंदु, जिसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। यहाँ पर मैंने लिख रखा है पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर। एक क्रोमोजोम में मिलने वाला जो सेंट्रोमियर है उसकी जो स्थिति है, उसकी जो पोजीशन है, उसके आधार पर जो क्रोमोजोम्स हैं उनकी जो शेप है वो विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है। तो चलो अपने यहाँ जान लेते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है एक क्रोमोजोम, ठीक है। इसमें ये एक आपको सिर्फ एक ही सिंगल भुजा दिखाई दे रही है, और इस भुजा के अंतिम सिरे पर क्या है? सेंट्रोमियर यानी गुणसूत्र बिंदु। तो गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर इसके अंतिम सिरे पर है, और ये एक सिंगल भुजा आपके सामने दिखाई दे रही है, इसलिए इसको अपने क्या बोलते हैं? टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक का मतलब क्या है? टिप पार्ट, बिल्कुल अंतिम सिरे पर सेंट्रोमियर की जो पोजीशन कैसी है? अंतिम सिरे पर है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। और टीलोसेंट्रिक और इसकी
शेप देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो आई अक्षर है उसके जैसी दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक में क्या है कि जो गुणसूत्र बिंदु है वो सिरे से थोड़ा हटकर पाया जाता है, सिरे से थोड़ा हटकर पाया जाता है, जिसकी वजह से दो आसमान भुजाएं आपको दिखाई देती है। एक तो बिल्कुल ही छोटी भुजा है और दूसरी बहुत बड़ी भुजा है, दोनों आसमान भुजाएं हैं और जो सेंट्रोमियर है वो सिरे से थोड़ा हटकर पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम्स। और इसकी आकृति देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो जे अक्षर है उसकी जैसी दिखाई देती है। अब बच्चों अपने बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक। यहाँ आप देखो कि जो क्रोमोजोम्स के अंदर जो गुणसूत्र बिंदु है, जो सेंट्रोमियर है, वो बिल्कुल मिड में ना होकर, बिल्कुल सेंटर में ना होकर थोड़ा साइड में होता है, बिल्कुल सेंटर में ना होकर थोड़ा साइड में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। बच्चों इनकी जो शेप है वो अंग्रेजी वर्णमाला के एल जैसी दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक मतलब गुणसूत्र बिंदु क्रोमोजोम में ठीक सेंटर में, ठीक मध्य में पाया जाता है, जिसकी वजह से जो दोनों भुजाएं हैं वो एक समान दिखाई देती हैं, इनकी लंबाई लगभग एक समान दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रोमियर है, गुणसूत्र बिंदु है, वो बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम्स। अब इसकी जो शेप है वो अंग्रेजी वर्णमाला के वी जैसी दिखाई देती है। तो बच्चों सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर जो क्रोमोजोम्स हैं वो वी शेप के भी हो सकते हैं, एल शेप के भी हो सकते हैं, जे शेप के भी हो सकते हैं और आई शेप के भी हो सकते हैं। और ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स यानी मानवों के अंदर जो गुणसूत्र हैं ये सभी रूप वी शेप, एल शेप, जे शेप, आई शेप यानी टिलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक सभी जो शेप के जो क्रोमोजोम्स हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर मिलते हैं। अब बच्चों अपने बात करते हैं ये तो शेप के बारे में, अब अपने बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम्स। गुणसूत्रों की जो आकृति है, इसकी जो संरचना है वो कैसे दिखाई देती हैं? तो बच्चों इसकी स्ट्रक्चर को अपने अलग अलग स्टेप्स के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे टिलोमियर की, गुणसूत्र की जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, गुणसूत्र की संरचना अपने स्टार्ट करते हैं टिलोमियर से। तो टिलोमियर, पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमोनिमेटा, क्रोमोमियर, सेंट्रोमियर जिसको गुणसूत्र बिंदु बोलते हैं और इस गुणसूत्र बिंदु को काइनेटोकोर भी बोल सकते हैं, और सेंट्रोमियर को प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राथमिक संकीर्ण भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इसको द्वितीयक संकीर्ण भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज नोर, NOR, एंड फाइनल लास्ट सैटेलाइट जिसको अनुसंग भी बोलते हैं। तो ये जो स्टेप है, ये जो पद है, इनके हेल्प से अपने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम्स को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।